राजपूत भी बहुत दिखाए आपको, राजपूताना की बहुत सी घटनाएं भी सुनाई आपको। आज एक ऐसी घटना आपको बताने जा रहे हैं कि जो आपके अंदर का जो जज्बा है ना, वो बाहर आ जाएगा। जय भोले शंकर जी की। मैं पंजाब से आपका लखविंदर सिंह। दोस्तों 2010 के आसपास की बात है, एक हमारे भाई बहुत छोटी उम्र में थे उस वक्त, और आपको पता ही है कि 2009-2010 के आसपास जो सोशल मीडिया थी वो धीरे 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 ग्रो कर रही थी, आज के जितना उस समय तांडव नहीं था। उस समय आपको अगर याद होगा तो एक मनगढ़ंत से सीरियल का बहुत जोरदार तरीके से विरोध कर रहा था राजपूताना, खासकर कह सकते हैं राजपूताना यूथ। इन भाई को इनके पिताजी ने कहा कि तुम विरोध में नहीं जाओगे, क्योंकि जो पिता हैं वो भी डिफेंस में ही हैं। अब डिफेंस पर्सनल को पता होता है कि विरोध करने का रिजल्ट क्या होता है। उनको ये भी पता था कि जो उनका बेटा है वो बहुत ही जोरदार भावना से अपने राजपूताना के साथ जुड़ा हुआ है। अब अकेला अकेला बेटा है, पिता का फर्ज तो बनता ही है कि मैं अपने बेटे को रोकूं कि वहाँ मत जाओ, पर बेटा रुकने वाला कहाँ था। पिताजी ने क्या किया, बेटे को कमरे में बंद कर दिया कि तुम बाहर नहीं जाओ। दरवाजे पर ताला था, पिताजी पूरे निश्चिंत थे कि बेटे को कमरे में बंद कर दिया, शाम को निकाल दूंगा। आप हैरान हो जाएंगे, ये भाई हमारे खिड़की तोड़ के विरोध में पहुंच गए। भाई ने अपने दिल की भावना इस प्रकार बताई कि मैं राजपूत हूँ, अगर मैं अपने राजपूताना के काम नहीं आया तो क्या फ़ायदा मेरा राजपूत होने का। अब आप बताएं, क्या आपके अंदर ये जज्बा है? और मैं ये श्योर हूँ हुकुम्स मोटिवेशनल परिवार के 95% जो ट्रू परिवारगण हैं उनके अंदर ये जज्बा है, क्योंकि वही भाई हमारे साथ जुड़ते हैं जिनके अंदर जज्बा है। और ऐसे भाइयों को हमारा दिल से प्रणाम है जो ऐसे दम रखते हैं पूरा। घर वालों ने मना कर दिया, पर राजपूताना प्रेम देखिए, उस भाई को मैदान में ले आया और भाई ने खूब विरोध किया, दबा के विरोध किया। बात थी कि अपने स्वाभिमान को नीचे नहीं झुकने दूंगा, मैं राजपूत हूँ, मैं अपना पूरा वर्चस्व राजपूताना को दूंगा। सभी का आभार, अपने अंदर ऐसी वाली जगह, दिल में ऐसा जज्बा जगा के रखिए और अपने आप को ना राजपूत कहला के रखिए। सभी का आभार। जय भोले शंकर जी।